काफी ट्विस्ट और टर्न्स है। कूल लूट के पीछे कई सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। अलग अंदाज, वेल उसके बारे में तो मैं ज़्यादा जिक्र कर नहीं सकता बिकॉज काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स है इस सेकेंड सीज़न में। बट जब आप एक लॉन्ग फॉर्मेट शो करते हो और आप उसके सेकेंड या थर्ड सीज़न के लिए वापस आते हो तो कंटिन्यूटी जैसी चीज़ होती है, यू नो, बिकॉज मैं अंगद साधु का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वही सेम कैरेक्टर इस बार भी प्ले कर रहा हूँ। तो दी इवेंट्स स्टार्ट ऑफ जहाँ पे वो ख़त्म हो गया, उस बीच में थोड़ा सा गैप है। तो यू विल लर्न अ लॉट कि अंगद ऐसा क्यों है, अंगद सिविलियन लॉयर क्यों है, वो आर्मी में क्यों नहीं है, उसके परिवार के बारे में आप काफ़ी जान सकोगे। तो लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ शेड्स, यू नो, ये जो कहानी है आगे भी बढ़ रही है और पीछे भी बढ़ रही है एक साथ। सो इट्स वेरी वेरी डेंस, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। कितना चेंज दिखने वाला है? नहीं, वो तो इस बार कूल डूड ही है, बट कूल लूट के पीछे कई सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। वो जो यू नो, हम 2019 में हमने कोडेम सीजन 1 शूट किया था और हमने अभी 2021 में सीजन 2 शूट किया, तो काफ़ी टाइम बीत चुका था। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जैसा मैंने कैरेक्टर निभाया था तब, मैं उसी तरीके से कैरेक्टर आज भी निभाऊँ। यू नो, ऑफकोर्स आप हर एक दो तीन साल में एक इंसान के तौर पर बदलते हो, एक एक्टर के तौर पर भी बदल जाते हो। तो मेरा एक प्लेलिस्ट होता है हर अपने कैरेक्टर के लिए, तो मैं वो सुन के इट टेक्स मी बैक टू दैट टाइम जहाँ मैं हूँ आज, जहाँ मुझे रहना है उस कैरेक्टर के लिए, और फिर थोड़ा आसान हो जाता है ना। ऑफकोर्स जब जेनिफर भी है, हमारे डायरेक्टर भी वापस आए सेकेंड सीजन के लिए, अक्षय, तो सारे फेमिलियर फेसेस थे, तो वी वर एबल टू Hopefully retain the thing that made season 1 special. Okay, ek aisi cheez jis pehle to main hamesha se chah raha tha ki main ek army based ya ek uniform based show karu, kyunki ab tak to mauka nahi mila tha. Aur agar aap notice karoge ki show pe jitne bhi characters hai sab hamesha stress mein rehte hai ki ye case crack karna hai, kiska murder hua hai, ye hua hai, assassination attempt. और ऑफ कोर्स अंगद को भी ये सारे केसेस क्रैक करने हैं, बट ही इज़ गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट इट, यानी कि ज़िंदगी में और कुछ भी है, जस्ट इसके पीछे मत भागते रहो, यू नो, इज़ क्वाइट क्वर्की एंड आई फाउंड दैट टू बी अ वेरी फैसिनेटिंग वे इनटू द कैरेक्टर। चाहे कोई सीरियस सिचुएशन हो रहा है एंड सडनली बोले यार मुझे भूख लगी है, मुझे लाल मांस खाना है, यू नो, लाइक समथिंग दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द शो, आई फाउंड इट टू बी अमेजिंग। एंड फॉर दिस मैं अपने डायरेक्टर अक्षय को सराहना चाहता हूँ बिकॉज ऑल दीज आर हिज इनपुट्स। It's I think these would be amongst my favorite people to work with, Jennifer in particular. मेरा सबसे ज़्यादा काम तो इनके साथ ही रहा है, और मैं इनके बारे में बताऊँ, जब हम सीज़न 1 शूट करने वाले थे तो उससे पहले मैं उनको जानता नहीं था, तो सब ने कहा कि यार वो बहुत स्ट्रिक्ट है और अपने स्टूपिड जोक्स उनके सामने मत मारना, बस आओ सेट पर काम करो और घर चले जाओ। तो मैं थोड़ा डर गया था कि यार ये मैं शो कर रहा हूँ कि बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। बट फाइनली जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई तो आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज। इज़ वेरी फन लविंग, वेरी वॉर्म, वेरी गिविंग एज एन एक्टर, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हम आज कोस्टार्स ही नहीं, हम अच्छे दोस्त भी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट द चांस टू मेक सीजन 2। सो रजत सर एंड मी ऑल्सो हैड अ बंच ऑफ सीन सीजन 1 में, तो ऑब्वियसली मैं तो आई थिंक दिल चाहता कि दिनों से उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। सो इट्स अमेजिंग जब आपको ऐसे सीनियर एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, बिकॉज नॉट जस्ट व्हेन यू एक्टिंग, जब आप सेट पर भी रहते हो, जिस तरीके के कॉन्वर्सेशंस होते हैं, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। आप काफ़ी कुछ सीखते हो उनके एक्सपीरियंसिस को सुनकर। यू नो, अनफॉर्चुनेटली सीमा मैम के साथ मेरे बिल्कुल सीन्स नहीं थे, अगर आपने सीजन 1 देखी हो तो, आई डिड नॉट गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद हर, बट मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मुझे सेम शो पर उनके साथ रहने का एक चांस मिला। सो आई विल बी ऑनेस्ट, ऐसी बात नहीं है कि आई एम चूजिंग OTT या मैं फिल्म्स चूज नहीं करना चाह रहा हूँ। फैक्ट इज अगर आप थोड़े पीछे जाओगे, तो 2013 में मैंने अपना डेब्यू किया, उसके बाद मैंने 3 फिल्में करी, अनफॉर्चुनेटली वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चले,
और उसी दौरान मुझे इनसाइड एज के लिए बुलाया गया था, और कौन मना करेगा, अमेजोन इन्वॉल्व थी और एक्सेल इन्वॉल्व था, तो मैंने हाँ बोल दिया. और बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अ सेकेंड लीज ऑफ लाइफ करियर वाइज. एंड उसके बाद बिकॉज वो हिट प्रोजेक्ट थी, उसके बाद कोडम आया, पॉइजन आया, एक एक करके काफ़ी सारे शोज़ आने लगे, तो लोग ऑब्वियसली मुझे OTT स्पेस में ज़्यादा रोल्स, अच्छे रोल्स, जूसी रोल्स, मीडिया रोल्स देने लगे, यू नो. पर आई हैव डन अ कपल ऑफ फिल्म्स, अनफॉर्चुनेटली मैं उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता, वो प्रोड्यूसर्स खुद अनाउंस करेंगे, बट काफ़ी बड़ी पिक्चर है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं OTT में भी काम करूँ और फिल्मों में भी काम करूँ. यू नो, एट द एंड ऑफ द डे मैं एक एक्टर हूँ, मैं स्क्रिप्ट, सेटअप, प्रोड्यूसर, कोस्टार्स, डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें देखता हूँ, प्लेटफॉर्म या थिएट्रिकल रिलीज नहीं देखता. सो यस, लेट्स सी. सो आई रियली एंजॉय वॉचिंग रियलिटी शोज, बट मेरा माइंडसेट ऐसा है कि आई डोंट थिंक आई एम कट आउट टू पार्टेक इन अ रियलिटी शो. अभी फिलहाल ऑफर्स तो आते रहते हैं, बट मैं अभी फिक्शन पर ही फोकस ध्यान देना चाहूँगा. तो नथिंग राइट नाउ, नो रियलिटी शोज. सो सीजन 2 ऑफ कोडम वी हैव लार्जली शॉट इन मुंबई एंड इन पुणे, एंड अ लॉट ऑफ इट इज एक्चुअली शॉट इन पुणे, बिकॉज पुणे इज एन आर्मी कंटोनमेंट बेस, सो इट ऑटोमेटिकली लुक्स वेरी ऑथेंटिक. यू नो, एट द एंड ऑफ द डे कोडम एक आर्मी बेस्ड शो है, तो इट वॉज ग्रेट. एंड या यार, माई जर्नी ऑनेस्टली हैज़ बिन क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड. द लोज हैव बिन वेरी लो, द हाईज हैव बिन फेली हाई. And I have learned that you are only as good or as bad as your last release. You know, in fact, meri maa mujhse hamesha kehti hai ki yaar, is industry mein never let success go to your head, never take failure to your heart. Bahut simple si cheez hai, you know. It's been amazing. I feel very blessed and grateful. There are so many people out there who just go to work and then wait for the week to get over so they can enjoy their weekend. For me, my work is my play. I'm getting paid to do something I love doing. I'm getting love from so many hundreds and thousands and millions of people for doing what I love doing. So I consider myself very blessed, and God willing, the next 50 years will also be very, very exciting, and I'm looking forward to it. Okay, people just love your chemistry with Jennifer. I think you're doing a well, you know, the thing is, no matter how good, bad, average you are as an actor, which anyway is a very subjective thing, you know, it depends on how you perceive a person or how you perceive people. मेरे ख्याल से केमिस्ट्री आप फेक नहीं कर सकते. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, डिफरेंट पीपल जस्ट ब्रिंग अ डिफरेंट एनर्जी टू द स्क्रीन, यू नो. एंड आई एम नॉट, इट्स नथिंग टू डू विद अ मेल एंड अ फीमेल, इट कुड बी टू मैन और टू वुमेन, बट यू इफ एन यू हैव केमिस्ट्री, ऑटोमेटिकली द सीन्स फ्लो इन अ बेटर वे. एंड लकली फॉर अस, बिकॉज अंगद एंड मोनिका हैव अ लिव्ड इन रिलेशन, दे हैड हिस्ट्री इन द पास्ट, एंड दे वेरी कंफर्टेबल इन ईच अदर्स कंपनी, इट वॉज इम्पॉर्टेंट. एंड या आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी. I'm very happy, and I genuinely am very, very, very fond of her, so that helps. Well, firstly, I'd just like to thank all you guys for supporting me over the years and watching my shows, showering me with so much of love. All the opportunities jo mujhe milte hai, wo aapki badolat hai, so I'm very, very happy about that. And please, if you enjoyed season 1 of Kodam, I think you guys are really going to enjoy the second season. We have tried to deliver an even better season, more gripping, lots of twists and turns, lots of drama, lots of emotion, lots of thrills and action. So dekhna zarur.